और अभी हम लोग देखने वाले हैं कैसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वो हमारा क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, और ये क्वेश्चन क्या है और किस चैप्टर का है और बखूबी समझ रहे हो। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और किस चैप्टर का है वो समझते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, अ वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टाफ ऑफ हाइट एच। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज एच टैन अल्फा बाई टैन बीटा माइनस टैन अल्फा। ये आपका क्वेश्चन इस प्रकार है जो कि मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, और क्वेश्चन देखने के बाद आप ये इस नतीजे पे पहुंचोगे, पता चलेगा यह कि ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। बखूबी इस चीज से आप वाकिफ हो कि क्वेश्चन हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है। अब हमें देखना है कि इस क्वेश्चन का सारा कॉन्सेप्ट, सारा का सारा सॉल्यूशन इसी वीडियो में देखना है, बशर्ते कंडीशन है कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे और साथ ही मेरे साथ बने रहेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। और साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक टावर है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, स्टैंड है। तो सबसे पहले हम लोग बना देते हैं एक, आपको मैं बता दूं, एक हम लोग बना लेते हैं क्या, ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, और नीचे बना देता हूं ठीक है, क्योंकि इस पर तो हमको ये भी बनाना है। मान लो कि हम यहां बनाते हैं, ये हमारा क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर है। चलिए अब इस पे क्या कर रहा है क्वेश्चन हमारा, कि इस पर आपका एक वर्टिकल टावर है। तो मान लो कि आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन ए बी है, ए बी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, क्लियर है। अब इस पे बीसी आपका एक टावर है, क्लियर है। हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, बीसी एक टावर है, क्लियर है। चलिए अब इस टावर पे हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक फ्लैग स्टफ है, देख पा रहे होगे मेरे ख्याल से, ये क्या है, एक फ्लैग स्टफ है, क्लियर है। चलिए इसका भी नेमिंग मैं कर देता हूं। अब फ्लैग स्टफ मान लो ये सी डी है, फिर से मैं बता दू, ए बी हॉरिजॉन्टल प्लेन है, बीसी टावर है, और सी डी हमारा क्या है, फ्लैग स्टेप है, जिसमें हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फ्लैग स्टेप जो सरमाउंटेड है ऑन अ वर्टिकल फ्लैग स्टेप हाइट स्मॉल एच, जिसका हाइट क्या कर रहा है, स्मॉल एच कह रहा है, मतलब ये फ्लैग स्टेप का हाइट हमारा स्मॉल एच है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्लियर है। चलिए आगे पढ़ते हैं। एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन, मान लो प्लेन पर एक पॉइंट ए है यहां, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टम। फ्लैगस्टम का पहले किसकी बात हो रही है, बॉटम की बात हो रही है या टॉप की बात हो रही है, तो बॉटम की बात हो रही है। तो फ्लैगस्टम हमारा सी डी है, तो सी डी का सी डी फ्लैगस्टम जो है इसका बॉटम हमारा कौन होगा, सी होगा, टॉप कौन होगा, डी होगा। तो क्या कह रहा है, एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैगस्टाफ आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली। मतलब बॉटम से आपका इस प्लेन पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, अल्फा, क्लियर है। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, इसी पॉइंट पे टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन जो हमारा कह रहा है वो क्या कर रहा है, बीटा। यानी आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर बीटा जो है अल्फा से ग्रेटर है, बीटा हमारा क्या होगा, अल्फा से ग्रेटर होगा, क्लियर है। इतना क्वेश्चन हमारा कर रहा है, उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब हमें फाइंड क्या करना है, ये अल्फा और बीटा है, फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर इज, इतना हमें प्रूव करना है ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ टावर बी महा एच, मतलब कैपिटल एच बिग एच ठीक है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं, लेट द हाइट ऑफ, लेट द हाइट ऑफ टावर बी महाएच, क्लियर है। मैंने टावर का हाइट क्या अज्यूम कर लिया, महाएच के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए हमें प्रूव क्या करना है, ये महाएच इक्वल हमें इतना प्रूव करना है, स्मॉल एच इंटू टैन अल्फा बाई टैन बीटा माइनस टैन अल्फा, ये सर हमें प्रूव करना है। तो अभी हमें देखना है इस सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन अभी क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और मैं आपको बताता हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें आपको जितना भी लगाना है लगा लो,
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होगा। तो सबसे पहली बात याद करिए, मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको कहा था, क्या कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस का जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो कोशिश यह करिएगा कि जब दो ट्रायंगल बने तो छोटा वाला एक राइट एंगल लीजिएगा, फिर उसके बाद बड़े वाला राइट एंगल। तो यहां पे छोटा वाला राइट एंगल ट्रायंगल हमारा कौन है, आप देख पा रहे होंगे, ट्रायंगल सी बी ए। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल सी बी ए, इन ट्रायंगल सी बी ए, और इस सी बी ए में आपका एंगल अल्फा है, और देख पा रहे होंगे कि सारा का सारा रिलेशन जो हमें लाना है टैन में लाना है, इसलिए जाहिर सी बात है कि टैन ही ना लेंगे, साइन कॉस तो लेंगे नहीं, टैन लेंगे। चलिए तो टैन अल्फा इक्वल हम लोग क्या लिखेंगे, टैन अल्फा इक्वल पी बाई बी, तो पी हमारा कौन है, बी सी। अब भाई बेस कौन है हमारा, आप देख पा रहे होंगे बेस हमारा ए बी है, तो टैन अल्फा इक्वल BC हमने H माना है और AB हम यहां पे फाइंड कर लेते हैं। तो मेरे को आप देख पा रहे होंगे AB इक्वल क्या लिखेंगे, AB इक्वल लिखेंगे H महा H बाई tan अल्फा, क्लियर है, महा H बाई tan अल्फा। और आप देख पा रहे होंगे कि BC हमारा क्या है, टावर का हाइट है, और DC जो हमारा है वो क्या है, फ्लैग स्टॉक का हाइट है। समझ बात आ रही है ना, बस समझ में आनी चाहिए, हर बात आपको समझाऊंगा मैं, बस शर्त की कंडीशन है कि मेरे साथ बने रहिएगा और हम मुझे भी कोऑपरेट करिएगा, किसी को डिस्करेज करने से आपका कोई फायदा नहीं है, हमें मोटिवेट करिएगा, हमें करेज करिएगा, तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कॉन्टेंट लाऊंगा। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो हमने इस ट्रायंगल में निकाल दिया ए बी, अब हम बता दें कि कौन ट्रायंगल लेंगे, एक बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, तो इन ट्रायंगल डी बी ए यहां लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल डी बी ए, तो डी बी ए में हम क्या लेंगे, आप देख पा रहे होंगे टैन बीटा, तो टैन बीटा इक्वल हम क्या लिखेंगे, पी बाई बी, तो पी हमारा कौन होगा, बी डी, अब बाई बेस क्या होगा, आप देख पा रहे होंगे ए बी, बी डी बाई ए बी हमारा बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। चलिए ठीक है, तो यहां पे टैन बीटा इक्वल हम क्या लिखेंगे, बी डी हमारा क्या होगा सर, आप देखिए बीडी क्या होगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एच है और यहां से यहां तक स्मॉल एच है, तो पूरा क्या होगा, एच प्लस एच, तो मैं लिखूंगा क्या, महा एच प्लस स्मॉल एच बाई ए बी, और ए बी का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे, ए बी का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया है क्या, एच बाई टेन अल्फा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब इसके बाद क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, टेन बीटा इक्वल ये टेन अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं ऐसा, टेन अल्फा इंटू महा एच प्लस स्मॉल एच बाई महा एच, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। अब यहां पे हम क्या करेंगे सर, आप देख पा रहे होंगे यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे को क्या आएगा, एच इंटू टेन बीटा, एच इंटू टेन बीटा, या इसके नीचे वन दे दीजिए, इक्वल वन को सब इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे, टेन अल्फा इंटू महा एच प्लस एच, क्लियर है। चलिए ठीक है, एक और स्टेप आप देख पाइएगा, यही मैं लिख देता हूं, एच टेन बीटा इक्वल टेन अल्फा को जब एच से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे क्या, एच टेन अल्फा प्लस एच टेन अल्फा, बस एच के बदले यहां पर हम क्या लिख रहे हैं, सो आप गौर करते जाइएगा, महा एच टेन अल्फा प्लस स्मॉल एच अल्फा, क्योंकि इससे इस टर्म जो टेन अल्फा जो आप देख पा रहे होगे, इस टेन अल्फा से दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो एच इंटू टेन अल्फा प्लस एच इंटू टेन अल्फा, क्लियर है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए महा एच का वैल्यू, महा एच क्यों चाहिए, क्योंकि हमने अज्यूम किया है टावर का हाइट महा एच, इसलिए हमें तो महा एच का वैल्यू चाहिए। तो महा एच वाले को क्या करेंगे, आप देख पा रहे होंगे महा एच यहां है और महा एच यहां है, तो क्या करेंगे कि कॉमन ले लेंगे, मतलब पहले सबको वन साइड करेंगे, तो क्या होगा, आप देख पा रहे होइएगा, एच टेन बीटा माइनस एच टेन अल्फा इक्वल एच टेन अल्फा, उम्मीद है क्लियर है। चलिए अब हम यहां क्या करेंगे सर, यहां पर आप देख पा रहे हो यहां पर हम एच कॉमन लेंगे, तो मेरे को क्या आएगा, टेन बीटा माइनस टेन अल्फा इक्वल एच टेन अल्फा, और जब हम महा एच का वैल्यू फाइंड करते हैं तो पता हमें यह चलता है सर कि एच टेन अल्फा बाई टेन बीटा माइनस टेन अल्फा, और सर हमें पता करना था, यही तो हमें राह क्या है, हाइट ऑफ टावर है,
और हमें ये प्रूव्ड करना था, तो हमारा आता इस प्रकार PROVED प्रूव्ड। उम्मीद है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़ा मैं हल्का साइड हो जा रहा हूं, अब सारा का सारा सॉल्यूशन आपके सामने है और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आप वीडियो को भरपूर आनंद लेंगे और पूरे को पूरे का पूरा वीडियो देखेंगे, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो देख पा रही होगा शायद यहां पर मेरे ख्याल से क्लियर है। फिर से मैं आपको कुछ बातें समझा दूं। बीसी आपका टावर का हाइट है और सीडी जो है आपका फ्लैग स्टफ है जिसका हाइट स्मॉल एच क्वेश्चन दे रखा था। हमने यहां पे टावर का हाइट अज्यूम किया है क्या, महा एच जो आपको यहां पर दिख रहा है, और इस तरीके से हमने महा एच का वैल्यू फाइंड किया जो आपके सामने है और हमें यही तो प्रूव करना था। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के बीच लाइक शेयर जरूर करना ना भूले, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। आज इतना ही, थैंक यू।